नगर निगम कलेक्ट्रेट कार्यालय का रजिस्ट्रार एवं संजय गांधी अस्पताल का MRI सेंटर का एक कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। कार्यालय में मचा हड़कंप। रीवा नगर निगम के पेंशन शाखा का कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह खबर मिलते ही नगर निगम में जैसे भगदड़ का माहौल व्याप्त हो गया और देखते ही देखते कार्यालय के अधिकांश शाखाएं बंद हो गई। हम नगर निगम के कोरोना काल में कुछ जिम्मेदारियों को भी याद दिला देते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मास्क न पहनने पर नगर निगम के द्वारा आम जनता का चालान काटा गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सैनिटाइजर एवं मास्क न होने पर चालान किए गए, लेकिन जब आज नगर निगम की बारी आई तो वही कर्मचारी व्यवस्थाओं का रोना रोने लगे। कर्मचारियों का कहना है कि ना तो यहाँ स्कैनिंग मशीन है, ना मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था। आपको बता दें कि पेंशन शाखा जहाँ मनीष मिश्रा कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते थे, वहाँ वृद्धा पेंशन से लेकर कई योजनाओं के कार्य होते थे, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि वहाँ अधिकांश वृद्ध अपने काम से आया जाया करते थे, जिन्हें इस संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरा है। पेंशन शाखा के प्रभारी नरेंद्र सिंह बलिया प्यून, रजनीश रावत व अन्य कर्मचारी रहते थे, जिनकी जांच कराई जाएगी। लेकिन हकीकत तो यह है कि यह एक ऐसा शाखा है जहां लोगों की चैन ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। प्रयागेश्वर न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। फ्लाइट में वीडियो बनी फिर? हाँ, वीडियो बनेगी। वो नहीं बनेगी, हम इधर से दे देंगे। अच्छा। अब ये विंद का एक मात्र है MRI सेंटर अभी यहाँ खुला हुआ है जी, जो इस समय बंद है जी, जिससे लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्या कारण है इसको बंद करने? इसमें हमारे यहाँ के एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है करीब 22 तारीख को, और जैसी पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो हम लोगों ने सेंटर को बंद कर दिया। अब मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता, ना ही यहाँ के एम्प्लाई के साथ। तो यहाँ का सारा लोगों का कोरोना टेस्ट लिया जा चुका है, और जब तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हमारा सेंटर पूरी तरह से सील रहेगा। हमारे सारे कर्मचारी क्वारंटाइन में अंदर हैं, और गेट का ताला इसीलिए बंद करा दिया गया है, और चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज में सूचना दे दी गई है। सर, इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या अस्पताल के द्वारा की गई? इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एकमात्र सेंटर ये रीवा सतना सीधी शहडोल के बीच में है, संभागीय है, और इसके बाद अगला सेंटर नियरेस्ट जबलपुर है। तो जैसे अभी सर यहाँ कोई ऐसा कोई साधन चल नहीं रहे, अभी जो बसें हैं ये ट्रेनें हैं ऐसा कुछ चल नहीं रही, तो ऐसे में लोगों के लिए देखिए प्रशासन की ये व्यवस्था है कि प्रशासन हम लोगों की जो जांच रिपोर्ट है क्या है, हुआ है ये। आपके नगर निगम में आज एक कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव निकला, तो उनके संपर्क में सभी कर्मचारी आए होंगे, क्या व्यवस्थाएं हैं क्या उनको, मतलब सैनिटाइज करने की लोगों को, या फिर अंदर प्रवेश करते तो क्या सैनिटाइज होता था, क्या टेम्परेचर नापा जाता था? नहीं, एक्चुअली ऐसे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँ। और इसी समय ये आपका पथ विक्रेता और ये ठेला वाला वाला भी आ गया था, और इसी समय एक वो आपका आधार कार्ड लिंक वाला भी जुड़ गया था, जिसका इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी जिस कारण से हमारे कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। और आज हमारे जो जैसे ही सूचना मिली कर्मचारी संक्रमित हो गए, तो कोई कर्मचारी आज ऑफिस के अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, कहता है कि भाई पूरा ऑफिस सैनिटाइज हो, और पहले तो 14 दिन के लिए तो ऑफिस बंद होना चाहिए। आज तैयार नहीं है। आपसे हमारा ये कहना है कि आप लोग पूरे नगर निगम क्षेत्र को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप मास्क लगाइए, नहीं तो जुर्माना कर देंगे, या आप लोगों ने जुर्माना काटा भी है? काटा भी। हाँ, क्यों अपने कार्यालय के अंदर ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्या प्रयास किया गया है, पर चूंकि भीड़ ज़्यादा होती थी और आम पब्लिक आती थी, कर्मचारी तो मास्क लगा कर रखे थे, कर्मचारी अपना स्वयं का सैनिटाइजर भी रखते थे, कार्यालय गेट में भी सैनिटाइजर रहता था कि लोग आके हाथ साफ कर ले, लेकिन जो आम पब्लिक आई है उसके कारण ये स्थिति बनी है, जिस कारण आज ये और डिस्टेंसिंग नहीं हो पाई है, और डिस्टेंसिंग होना बहुत अति आवश्यक है, इसमें तो 3 फीट का अंतर होना ही होना चाहिए, और जिसका पालन नहीं हो पाया है इस कारण से स्थिति निर्मित हुई है। और हमारी तो ये मांग है आयुक्त महोदय से, जिला प्रशासन से, कि इस कार्यालय हमारे और जोन कार्यालय हैं जहाँ कोरोना संदिग्ध लोग नहीं पाए गए हैं, उन कार्यालयों से अगला काम चलाते रहे,
पर मेन ऑफिस को 14 दिन के लिए बंद ही करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? राजेश चतुर्वेदी। किस पद पे? हम हैं ड्राफ्टमैन। है इसमें जो भी निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ पे करवाया जाएगा। उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी RRT अभी ट्रेसिंग कर रही है, सबको घर भेज दिया गया है और सब घर पे ही क्वारंटाइन करेंगे और पूरे निगम भवन को अभी सैनिटाइज भी कराया जाएगा और जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करके कर्मचारियों की सुरक्षा उठा रही है। कर्मचारियों से ये कहना है कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजेशन का कार्य चल ही रहा है, तो जो भी व्यवस्था है उनकी सुरक्षा के संबंध में सब।